सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब भाई जो पच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में आप सभी ने देखा था शास्त्री पार्क से लेकर और खजूरी खास तक का। आज मैं आप सभी को खजूरी खास है दोस्तों, और खजूरी खास से लेकर आप लोगों को पावी पुस्ते तक का दिखाऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ में एंड तक, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियो देखते रहो केपी संत के चैनल पर। दोस्तों, केपी संत लाता रहता आप लोगों के इंफॉर्मेशन देता रहता दोस्तों। तो चलते हैं पावी पुस्ते पर, दिखाते चल के आप सभी को कि कितना कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का। दोस्तों, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, और ये जा रही है पिंक लाइन मेट्रो। देखो, पिंक लाइन मेट्रो का भी आपको अपडेट देखने के लिए बनेगा, तो आप बने रहो केपी संत के साथ में, ऐसे ही वीडियोज देखते रहो दोस्तों पर डे। तो देख सकते हो ये है खजूरी खास। देखो, सारे पिलर बन के कम्प्लीट हो चुके हैं, पियर कैप के साथ में पियर कैप बनाए जा रहे हैं, और कुछ पियर कैप अभी बनने के लिए बचे भी हुए हैं। तो देख सकते हो जैसे जैसे हम पावी पुस्ते पर आगे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे आप सभी को कंस्ट्रक्शन वर्क होता हुआ नज़र आएगा। दोस्तों, देख सकते हो ये पियर कैप बना कर अभी इनकी सेटरिंग को उतारते जा रहे हैं, और देखो एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में दोस्तों आई गटर को लॉन्च करते हुए जा रहे हैं। दोस्तों, इस पर फिर शटरिंग लगाई जाएगी, शटरिंग लगा देने के बाद में तो फ्लोर वर्क कर दिया जाएगा। और ये देख सकते हो, एक तो ये पिंक लाइन मेट्रो को क्रॉस करेगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, और दूसरा ये फ्लाईओवर को भी क्रॉस करेगा। तो इसीलिए ये गगनचुंबी आप लोगों को पिलर्स देखने के लिए मिलेंगे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के दोस्तों। और नज़ारा यहाँ का बड़ा ही कमाल का है दोस्तों, क्या ही आपको बताएं, यह इतनी सुंदरता है। और देखो ये जो सीमेंटेड ये पोल पड़े हुए हैं, ये दोस्तों इनका ड्रेनेज बनाया जाएगा, और ड्रेनेज बना के इनमें पानी चला जाएगा नाली का, और फिर इसके ऊपर दोस्तों रोड बना दी जाएगी, यानी कि लोकल ट्रैफिक के लिए सर्विस लाइन दोस्तों नीचे। ऊपर तो ये देहरादून एक्सप्रेसवे यानी कि 6 लेन होने वाली, 3 लेन इस साइड में यानी कि एक्सिस कंट्रोल्ड होने वाली है। दोस्तों ये देख सकते हो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का इस नाले में देखो ये डाले जा रहे हैं पाइप, ये पाइप डाले जाएंगे, फिर इसके ऊपर रोड बना दिया जाएगा दोस्तों। तो ये है क्योंकि जगह कम है, स्पेस कम है, तो इस वजह से यहाँ पर रोड को भी चौड़ा करेंगे नीचे से भी और ऊपर से। तो देखो एलिवेटेड सेक्शन रहेगा ही रहेगा दोस्तों, ये देखो ये एलिवेटेड सेक्शन है दिल्ली देहरादून जाने के लिए, और ये लोकल ट्रैफिक के लिए इसमें देखो ये पाइपलाइन डाली जा रही है। और किस तरीके से ये पाइपलाइन गिर रहे हैं तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, इस तरीके से ये पाइपलाइन पानी में डाल रहे हैं दोस्तों। देखो इस तरीके से ये डालते चले जा रहे हैं, फिर इसके बाद में दोस्तों इसमें मिट्टी डालते चले जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो सारे में ही ये पाइपलाइन डाल दी जा चुकी है दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं चल के आप सभी को। इस पर अभी देखो शटरिंग लगा दी है, इस पर फ्लोर वर्क अभी किया जाएगा। दोस्तों आप सभी को बता दें, ये गीता कॉलोनी से स्टार्ट होता है ये फ्लाईओवर
एलिवेटेड सेक्शन और यहाँ आके ये देखो पावी पुश्ते पे एंड हो जाता। तो देख सकते हो यहाँ पर ये आरी पैनल लगाने के बाद में दोस्तों अब मिट्टी डाली जा रही है, इसका ये रैंप बनाया जाएगा और रैंप बन जाने के बाद में ये दोस्तों ग्राउंड लेवल पे ये एक्सप्रेस वे रहेगा, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे ग्राउंड लेवल पर ही रहने वाला है। अब दोस्तों देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर आरी पैनल को लगा देने के बाद में मिट्टी डालने का काम चल रहा है दोस्तों। और ये जो आगे देख रहे हो, आप लोगों को बता दूँ रैपिड एक्शन फोर्स के पास का ये नज़ारा है दोस्तों। तो आप लोग ऐसे ही वीडियोस इंजॉय कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। देख सकते हो आप लोग तस्वीरें, क्या ही नज़ारे हैं यहाँ के। इस तरीके से ये बनाया जा रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे दोस्तों। इसकी सर्विस लाइन तो देखो वो पहले ही बन चुकी हैं, अब ये बीच वाली जो लाइन है दोस्तों वो बनाने का काम किया जा रहा है दोस्तों। आरी पैनल को लगाने के बाद में कंपोजर भी लगा दिया इसमें, और ये जो क्षेत्र चमक रहे हैं दोस्तों इसमें ये बेल्ट लगाई जाएगी। बेल्ट लगाने के बाद में दोस्तों इसमें मिट्टी डालते चले जाएंगे। देखो ये कुछ ये नज़ारे हैं यहाँ के दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो दोस्तों केपी संत के चैनल पर। केपी संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। तो आप लोग लगा लो, देखो थ्री लाइन इस साइड में और थ्री लाइन इस साइड रहेंगी, तो सिक्स लाइन का ये एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेस वे होने वाला है दोस्तों। और इसमें थ्री लाइन इसमें क्या, इसमें लोकल ट्रैफिक के लिए भी दी जानी है दोस्तों। तो 12 लाइन का ये एक्सप्रेसवे होने वाला है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे दोस्तों, जो 6 राज्यों से होकर गुजरेगा दोस्तों। पहला है दिल्ली, दूसरा दिल्ली बागपत बड़ौत शामली सहारनपुर और एंड में आ जाता है देहरादून दोस्तों। इतनी सिटी से ये होकर गुजरने वाला है। चलते हैं आगे, दिखाते हैं चल के आगे क्या काम किया जा रहा है दोस्तों। देखो इतना लंबा चौड़ा ये होने वाला है एक्सप्रेस वे। दोस्तों यहाँ पर ये अंडरपास बनाया गया है दोस्तों, ये पिलर के ऊपर है अंडरपास, तस्वीरें देख सकते हो। अभी यहाँ पर ये कंप्लीट नहीं हुआ है दोनों साइड के, अभी ये आरी पैनल लगाने के बाद में, और ये रैंप का नज़ारा देखो, रैंप रह गया अभी बचा हुआ है, और इसका जो अंडरपास है वो भी अभी बचा हुआ है बनने के लिए दोस्तों। तो वो भी जल्दी बन के कम्प्लीट हो जाएगा दोस्तों। ये है पावी पुश्ता पूरा का पूरा दोस्तों।
देखो इस तरीके से यहाँ पर ये काम चल रहा है दोस्तों, रोड को चौड़ा करने का, जो कि सर्विस लाइन बनाई जाएगी दोस्तों लोकल ट्रैफिक के लिए। ये देख सकते हो आप लोग तस्वीरें। अभी इस नाले में अभी इसमें क्या डाला जाएगा दोस्तों, इसमें पाइपलाइन डाली जाएगी, उसके बाद में इसको ऊपर से पाट दिया जाएगा। तो यही काम चल रहा है, देख सकते हो आप लोग तस्वीरें दोस्तों। ये देखो आप लोग तस्वीरें देखो दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर ये रोड को चौड़ा करने के बाद में जो इसकी मेन लाइन होने वाली है वो होने वाली है। देखो पहले ये सीमेंटेड करते हैं, फिर इसके ऊपर आरी पैनल को लगाया जाएगा। देखो जैसे वो वहाँ पर आगे लगाया गया, वो जेसीबी भी चल रहा है वहाँ पर, ये देख सकते हो आप लोग। देखो ये लगाया गया है ना आरी पैनल को, लगा देने के बाद में फिर इसमें मिट्टी डालने का काम किया जाएगा दोस्तों। और ये है करावन नगर सोनिया बिहार के सामने का नज़ारा है दोस्तों, ये देख सकते हो आप लोग किस तरीके से यहाँ पर ये काम कुछ किया जा रहा है। पहली देहरादून एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल पर रहने वाला है इस साइड में, क्योंकि ज़्यादा स्पेस था इसलिए यहाँ पर एलिवेटेड सेक्शन नहीं बनाया इन्होंने, इसलिए इन्होंने ग्राउंड लेवल पर ही रखा है इसको दोस्तों। सोनिया बिहार और करावल नगर के सामने का ये नज़ारा है मेरे प्यारे दोस्तों, देख सकते हो आप लोग जिधर आप देखोगे नज़र उठा के उधर ही आपको कंस्ट्रक्शन होता हुआ नज़र आएगा दोस्तों। और जो यहाँ पर कंपनी वर्क कर रही है दोस्तों वो है गावर कंस्ट्रक्शन द्वारा, इसको बनाया जा रहा है दोस्तों दिल्ली के हिस्से को दोस्तों, जो कि दिल्ली में 14 किलोमीटर का हिस्सा होने वाला है दोस्तों, 16 किलोमीटर का हिस्सा दोस्तों यूपी में आता है। तो वो आप लोगों को बोर्ड आगे दिखाई दे रहा है यूपी और दिल्ली के बॉर्डर वहाँ तक, तो जो दिल्ली का बॉर्डर है दोस्तों वो तो वहाँ तक तो गावर कंस्ट्रक्शन वर्क कर रही है, उसके बाद में सीगल इंडिया लिमिटेड काम कर रही है, तो वो भी आप लोगों को आगे दिखाते हैं चल के। आपको ड्रेनेज सिस्टम के लिए देखो ये वाले पाइप डाले जा रहे हैं ड्रेनेज के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये जेसीबी चल रही है दोनों साइडों में, ये रोड को चौड़ा करने का काम किया जा रहा है इसकी। पहले सर्विस लाइन बनाएंगे फिर इसके बाद में। Thank you.
दोस्तों देखो इस जगह बनाया जा रहा है टोल प्लाजा, तो आप लोग ये एलिवेटेड सेक्शन पे आएंगे तो आप लोगों को टोल देना पड़ेगा। दोस्तों तस्वीर आप लोग देख सकते हो जो बन के कम्प्लीट हो चुका है, ये टोल प्लाजा की बिल्डिंग है जो कि बन के कम्प्लीट हो चुकी है। अब इसका जो रूफ टॉप का वर्क है वो किया जाएगा दोस्तों, और इसकी जो लेन है वो बनाई जाएंगी अभी टोल प्लाजा की। तो अभी काफ़ी सारा काम है दोस्तों, और जो कंपनी यहाँ पर वर्क कर रही है दोस्तों वो है सीगल इंडिया लिमिटेड। देख सकते हो ये लोहे के पिलर लगा दिए हैं दोस्तों। अब इस पर रूफ टॉप बनाया जाएगा, रूफ टॉप बनाने के बाद में फिर इस पर लाइन बनाई जाएंगी। तो अभी यही वर्क चल रहा है, देखो ये जो लाइन बनाई जाएंगी, देखो ये रखे हुए हैं स्ट्रक्चर लोहे के दोस्तों। तो यही नज़ारा है, देखो आप लोग इंजॉय करो इस पावी पुश्ते को, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे को दोस्तों, जो कि 5 सिटी से होकर गुजरेगा दोस्तों। दिल्ली, बागपत, बड़ौत, शामली, सहारनपुर होते हुए ये देहरादून में एंटर हो जाएगा दोस्तों। तो यही नज़ारा है, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। केपी संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है, आप लोगों को हर जगह के अपडेट अब देखने के लिए मिलेंगे पर डे दोस्तों। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा केपी संत के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस। मिलते हैं किसी नई वीडियो में आप सभी से, तो तब तक के लिए इन्जॉय करो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, और मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ में आप सभी से।